हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से एक ऐसी रेसिपी जो बस खाते ही रह जाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास रात के बचे हुए चावल हैं, ये मिक्स वेज पुलाव हैं, आप इसे खिचड़ी भी बोल सकते हो, हमारे राजस्थान में इसे खिचड़ी भी बोलते हैं। और चार उबले हुए आलू ले लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं और इसके छिलके को हमने निकाल लिया है। अब इन उबले हुए आलूओं को हम ग्रेट करेंगे, बिल्कुल बारीक करना है, इसके कोई भी टुकड़े नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। अब जो बचे हुए चावल थे उसको भी हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीसेंगे। इसमें हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। और ये देखिए, चावल को हमने अच्छे से पीस लिया है, इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। अब पीसे हुए चावल में हम ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे। यहाँ पे आप उबले हुए चावल या जीरा राइस चावल या किसी भी तरीके से बनाए गए चावल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चावल की खिचड़ी बनाई थी, तो उसी के हिसाब से हम मसाले डालेंगे। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है, इसे डाल देंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, क्योंकि चावल में भी नमक पहले डाल रखा था, उसी के हिसाब से हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, जिससे कि ये नाश्ता बहुत ही चटपटा सा लगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए दो चम्मच हमने अरारोट लिया है, दो बड़े चम्मच हैं ये, या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम डो की तरह बना लेंगे। आलू और चावल में बहुत ही मॉइस्चर होता है, उसी में ही ये डो लग जाता है, हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है। तो अभी ये बहुत ही स्टिकी है, तो इसमें डालेंगे हम एक चम्मच और अरारोट और इसे मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चार चम्मच अरारोट भी डाल सकते हो। आलूओं में बहुत मॉइस्चर होता है, तो थोड़ा बहुत ये डो स्टिकी रहता ही है। अब हाथों को साफ धोकर सुखाकर हाथों में तेल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा डो हाथों में ले लेंगे और इसे साइड में रख देंगे और जो चॉपिंग बोर्ड है उसी के ऊपर इसे बेलेंगे। तो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, हाथों में लगा हुआ तेल है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब इसका हमें रोल बनाना है, तो जितना बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से रोल बनाकर इसे काट सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका रोल बना लिया है। अब चाकू से इसे कट करेंगे। ये देखिए, लगभग आधे से डेढ़ इंच की लंबाई में इसे हम काट लेंगे। और अगर इसका शेप अच्छा नहीं है तो आप इस तरीके से हाथों से सही तरीके से इसे बना सकते हो। ये देखिए, अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और बाकी का जो बचा हुआ नाश्ता है उसको भी हम इसी तरीके से रोल बना लेंगे और इसको भी हम काट लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो नाश्ता बनाया है वो बहुत ही बढ़िया बना है और सभी को इतना पसंद आया और बोले कि जब भी बचे हुए चावल हो तो ऐसा ही हमें नाश्ता दोबारा बनाकर देना। तो ये देखिए, इस रोल को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हाथों से इसका अच्छे सा शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सभी को अच्छे से बना लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में रख देंगे और इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को किसी और शेप में भी बना सकते हो। तो ये देखिए, सभी को हमने अच्छे से कट करके सेट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं अक्सर सरसों के तेल में ही फ्राई करती हूँ। सरसों के तेल में भी फ्रेंड्स स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है और ये बहुत ही हेल्थी होता है। तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे और उसी के बाद इस नाश्ते को हम डालेंगे। और इसे हम कढ़ाई में जितना स्पेस है उसी के हिसाब से डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। नीचे से फ्राई होने के बाद ही इसको हम पलटेंगे। तो छोटे चम्मच से इस तरीके से हम पलट देंगे और दोनों तरफ इसे उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखनी है और लगभग 4 से 5 मिनट लग जाता है इसे फ्राई करने में। इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी ये कच्चा ना रहे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी के जो छोटे छोटे कट किए हुए रोल थे उसको भी हम इसी तरीके से तेल में डाल देंगे और दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सुनहरे होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आपके पास बचे हुए चावल हो तो इस तरीके का नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। देखा फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और टमेटो सॉस के साथ तो इसमें चार चांद ही लग जाएगा। तो एक बार आप भी इस तरीके से बचे हुए चावल का नाश्ता ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये नाश्ता कैसा बना है।